नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉम क्लासेस। मेरे अपने साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में हम लोगों ने जो भी टॉपिक पहले समझा है, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो हमारा 11वां टॉपिक है, यानी हमारा 11वां वीडियो है, जिसका नाम है नवीन उत्पाद विकास, यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि नवीन उत्पाद विकास क्या होता है, विस्तार से बढ़िया से। इसमें हम लोग समझेंगे कि नवीन उत्पाद विकास का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग क्या होता है। उसके बाद से समझेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, यानी डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें हम लोग दो परिभाषा को समझेंगे विशेष रूप से, आगे देखेंगे। तो हमारे पास तीसरा आता है कि हम लोग समझेंगे कि जो कोई भी आवश्यकताएं होती हैं, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या है नवीन उत्पाद विकास की, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग समझेंगे चौथे पर कि प्रक्रिया क्या होती है अगर कोई भी कंपनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है तो। तो यहाँ पर हम लोग इन तमाम तरह की चार बातों को, चार हेडिंग्स को समझेंगे नवीन उत्पाद विकास इस टॉपिक में, यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नवीन उत्पाद विकास का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग क्या होता है। इसमें कहा गया है कि नवीन उत्पाद विकास से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है, किससे है, एक ऐसी प्रक्रिया से है। प्रक्रिया हम लोग समझने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है। और जब प्रक्रिया की बात की जाती है, इसमें तमाम तरह के स्टेजेस आते हैं, ठीक है ना। पहले ये काम हो गया, फिर ये काम होगा, फिर यह काम होगा, फिर ये काम होगा। तो ये तमाम तरह के जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, उसमें तमाम तरह के स्टेजेस होते हैं, यानी चरण होते हैं। तो कहा गया है कि नवीन उत्पाद विकास से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत उत्पाद श्रृंखला नए उत्पाद को जोड़ने अथवा पुराने उत्पाद की डिजाइन, इंजीनियरिंग एवं उसके किस्म सुधार से है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि अगर कोई भी कंपनी क्या कर रही है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही है, तो वहाँ पर वह क्या करेगी, जो भी उसका प्रोडक्ट लाइन है, क्या है, प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है। तो जब कभी भी प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन में क्या करेगी, कोई भी कंपनी एक नए प्रोडक्ट को जोड़ेगी, या तो, या फिर किसी पुराने प्रोडक्ट की डिजाइन को चेंज करेगी, उसमें कुछ इंजीनियरिंग करेगी, या फिर उसके किस्म में सुधार करेगी। ये होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आसान भाषा में और समझाता हूँ। यहाँ पर हम अगर समझेंगे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट को और बढ़िया से, तो हमें समझना पड़ेगा कि उत्पाद श्रृंखला क्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि उत्पाद श्रृंखला यानी प्रोडक्ट लाइन, क्या प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे, कहा गया है कि जिसके अंतर्गत उत्पाद श्रृंखला में, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, उत्पाद श्रृंखला में नए उत्पाद को जोड़ने अथवा पुराने उत्पाद की डिजाइन, इंजीनियरिंग एवं उसके किस्म सुधार से है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, तो वह कंपनी क्या करती है, जैसे यहाँ पर कोई भी, मैं नाम ले लेता हूँ, मदर डेयरी का नाम ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो मदर डेयरी क्या करती है, जो भी मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो बनाती है, ठीक है। तो पहली बात, यह दूध प्रोवाइड कराती है, फिर दही देती है, फिर आइसक्रीम देती है, फिर मट्ठा वगैरह देती है, छाछ देती है। तो क्या है, जो भी प्रोडक्ट लाइन है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। यानी कोई भी कंपनी एक ही तरह के
तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसी को कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन। जब कभी कंपनी को लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पर मदर डेयरी केवल मिल्क बना रही है अभी, अब कंपनी को लगता है कि अब हमें दही भी बनाना चाहिए, ठीक है ना, दही बनाना चाहिए, तो क्या किया कंपनी ने, कंपनी ने एक नए उत्पाद को इसमें जोड़ दिया, इस श्रृंखला में, प्रोडक्ट लाइन में जोड़ दिया, ठीक है ना। अब कंपनी को लगता है कि उसे और भी प्रोडक्ट जोड़ना चाहिए, कंपनी ने आइसक्रीम जोड़ दिया, कंपनी ने छाछ जोड़ दिया, तो ये तमाम तरह की चीज़ें, तमाम तरह के प्रोडक्ट कंपनी ने उसी श्रृंखला में जोड़ना शुरू कर दिया। इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, यह एक नवीन उत्पाद विकास है जो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। आगे इसके साथ होता है कि पुराने उत्पाद की डिजाइन कंपनी चेंज कर सकती है, पुराने उत्पाद में कुछ सुधार कर सकती है, क्वालिटी बदल सकती है, उसकी क्वांटिटी बदल सकती है, ठीक है। तो इन तमाम तरह की बातों को जब ध्यान में रख करके कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन में चेंजेस लेके आती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी मार्केट में कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है या फिर पुराने प्रोडक्ट को नए आकार में, नए रूप में लॉन्च करती है। यहाँ पे ये बातें समझ में आनी चाहिए आप सभी को। कहा गया है कि साधारण अर्थों में समझा जा सकता है कि नवीन उत्पाद विकास की प्रक्रिया में कंपनी के द्वारा अनुसंधान करने के उपरांत, ठीक है ना, एक नए उत्पाद का निर्माण, उसकी डिजाइन, रंग, परिमाण आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है ना। कहा जा रहा है ना भाई साहब कि अगर कोई भी कंपनी अपने वहाँ पर नवीन उत्पाद करती है, नवीन उत्पाद विकास करती है, तो इस प्रक्रिया में क्या करती है कंपनी, कंपनी के द्वारा क्या होता किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, यानी रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च करने के उपरांत, रिसर्च जब कंपनी कर लेती है मार्केट का पूरी तरीके से और प्रोडक्ट का भी, तब क्या करती है कंपनी, एक नए उत्पाद का निर्माण करती है, उसकी डिजाइन को देखती है, उसके रंग को देखती है, उसके परिमाण यानी उसकी क्वांटिटी को देखती है, आदि को ध्यान में रख करके एक नए उत्पाद को लॉन्च करती है, एक नए उत्पाद को लेकर के आती है या फिर पुराने उत्पाद में चेंजेस करती है, ठीक है ना, यही बात हमें समझनी है। इसके साथ ही कंपनी यदि किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है तो उसकी वर्तमान वास्तविक दशा, डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा किस्म आदि में सुधार करके उस उत्पाद को एक नया रूप एवं आकार देना भी नवीन उत्पाद विकास में सम्मिलित है। यहाँ पर दो बातें निकल के सामने आती हैं, पहला कि कंपनी क्या करती है, अनुसंधान करके, रिसर्च करके एक नया प्रोडक्ट लेके आती है, ठीक, या फिर कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसी प्रोडक्ट में कंपनी ने क्या किया, कुछ अनुसंधान किया और उसके जो भी तमाम तरह की कैटेगरी, ऐसे मान लीजिए रंग हो गया, आकार हो गया, परिमाण यानी क्वांटिटी हो गई, क्वालिटी हो गई, इन सभी एलिमेंट्स में चेंज करके कंपनी क्या किया, कंपनी ने एक नए तरीके से उसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। तो इन दोनों की दोनों बातों को हम लोग कह सकते हैं कि नवीन उत्पाद विकास है यह, यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है मार्केट में कंपनी के द्वारा। ये बातें समझने योग्य हैं। हम बात करते हैं डेफिनेशन की, यानी परिभाषा की। इसमें हमारे पास दो परिभाषाएँ हैं, यहाँ पर जो हमने अर्थ समझा हुआ है ये परिभाषाएं भी उसी तरीके से हमें समझ में आ जाएंगी जो हमें अर्थ समझ में आ गया है, तो ठीक है। हमारे पास पहला है विलियम लेजर के द्वारा, ये कहते हैं कि उत्पाद विकास वह प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो तकनीकी एवं विपणन क्षमताओं को संयोजित करती है। कहा जा रहा है ना कि जो भी उत्पाद विकास प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, जो भी टेक्निकल यानी तकनीकी और जो भी मार्केटिंग संबंधी क्षमताएं होती हैं कंपनी की, उसको संयोजित किया जाता है, यानी दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है ना, और पतनोन्मुख उत्पादों के पुनर्स्थापनों के रूप में उत्पाद अथवा संशोधित बाजार में प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। तो जो भी, या तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो पतन की ओर जा रहा है, मतलब वो अब ख़त्म हो रहा है, मार्केट में उसकी डिमांड ख़त्म हो रही है, तो उसमें संशोधन कर, यानी उस प्रोडक्ट को एक नए आकार में, एक नए रंग में लॉन्च किया जाता है, या फिर कंपनी क्या कर सकती है,
कंपनी क्या करती है, संशोधन करती है बाजार में जो भी प्रोडक्ट प्रस्तुत करती है उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। अगला डेफिनेशन है लिप्सन अथवा डार्लिंग के द्वारा। ये कहते हैं उत्पाद विकास वह प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए उत्पाद रेखा में नवीन उत्पाद जोड़े जाते हैं, चालू उत्पाद हटाए जाते हैं एवं संशोधित किए जाते हैं। इनका जो अप्रोच कहने का है कि ये कहते हैं कि उत्पाद विकास में क्या किया जा रहा है, नया प्रोडक्ट या तो जोड़ा जा रहा है या फिर जो भी पुराना प्रोडक्ट है उसमें संशोधन किया जा रहा है एक वर्ष के दौरान में। ये बात कहते हैं हमसे कौन, लिप्सन और डार्लिंग जी, ये बातें हमें समझनी हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अब डेफिनेशन को समझ लिया कि जो भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उसका डेफिनेशन क्या कहता है। यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। आगे हम बात करते हैं तीसरे की। यहाँ पर हमारे पास है प्राथमिक आवश्यकताएँ क्या हो सकती हैं अगर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जा रहा है तो। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से हो सकती हैं, कुछ बातें हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी क्या आवश्यकता पड़ गई कि कंपनी ने अब क्या किया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, यानी कंपनी ने नया उत्पाद यहाँ पर विकास किया उसका। यहाँ पर पहला है कि उपभोक्ता या ग्राहक द्वारा स्वीकृति, यानी कंज्यूमर आर कस्टमर एक्सेप्टेंस, कंज्यूमर की आवश्यकता है, कंज्यूमर या फिर ग्राहक के द्वारा एक्सेप्टेंस मिल चुका है कंपनी को कि हाँ अब आपको क्या करना चाहिए, आपको जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वह अच्छा नहीं है, आप उसमें कुछ संशोधन करके या फिर नया प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आइए तभी आपकी स्वीकृति की जाएगी। तो इन बातों को भी कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी करती है जब कंज्यूमर बिहेवियर को डील करती है तब तो उसे समझ में आ जाता है, ठीक है ना। आगे कहा गया है बी, संतोषजनक निष्पादन यानी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। कंपनी क्या करती है जब सही तरीके से काम करती है, मार्केट का सही तरीके से एनालिसिस करती है तो उसे तमाम तरह की बातें मालूम चल जाती हैं, कस्टमर क्या चाहता है, मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसे क्या नया करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट में कैसा संशोधन करना चाहिए। तो इन तमाम तरह की बातों को ध्यान में रख करके कंपनी क्या करती है, संतोषजनक कंपनी अपने जो भी प्रोग्राम होते हैं उनका, अपने परफॉर्मेंस का निष्पादन करती है, ठीक है। तो आगे यहाँ पे कहा गया है तीसरा है गहरी एवं व्यापक वितरण व्यवस्था, यानी डेप्थ वाइड एंड एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी अगर कंपनी क्या करती है, नवीन उत्पाद विकास करती है तो उसके लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए, जो भी कंपनी के पास गहरी व्यापक और जो भी वितरण व्यवस्था है वह होनी चाहिए। अब अगला है डी, यानी मितव्ययी उत्पादन यानी इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी नवीन उत्पाद विकास यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी तो उसकी आवश्यकता ये हो सकती है कि वह कंपनी इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करना चाहती है। इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो वह देखती है कि जो भी उसने सर्वे किया है मार्केट का, जो भी कस्टमर की डिमांड है, उस कस्टमर के जो भी डिमांड आए हैं उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करे, यानी ऑप्टिमल प्रोडक्शन करे। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की आवश्यकता तब पड़ती है जब कंपनी क्या करना चाहती है, मितव्ययी उत्पादन करना चाहती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब कंपनी प्रोडक्शन करती है तो आप लोगों ने अमेजोन अन्य सभी पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं गुड्स, तो वहाँ पर कंपनी क्या करती है, जो भी प्रोडक्शन करेगी वह मितव्ययी प्रोडक्शन करेगी यानी इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करेगी। अगला है यानी अंतिम बात करते हैं इसमें, उत्पाद में नवाचार यानी इनोवेशन इन प्रोडक्ट। कंपनी जब कभी भी अपने प्रोडक्ट को नए तरीके से लॉन्च करना चाहेगी जो कस्टमर को पसंद आ जाए, जैसे आप लोगों ने प्रचार देखा होगा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ये क्या है, एक नवाचार है कंपनी का एक इनोवेशन है कि अन्य जो कंपनियां टूथपेस्ट लेके आ रही हैं उनमें नमक नहीं है लेकिन देखो मेरे में नमक है,
और नमक क्या करता है, दांत को साफ कर देता है। तो ये क्या है, एक तरीके से इनोवेशन है कंपनी का। इस तरीके से कंपनी क्या करती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अगला हमारा है चौथा, यानी प्रक्रिया। अगर कोई भी कंपनी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी नवीन उत्पाद विकास करती है तो उसका प्रोसेस कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, किन किन स्टेप से होकर के कोई भी कंपनी क्या करती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकती है, करती है। तो उन्हीं सारे के सारे स्टेप्स को हम लोग समझेंगे इस प्रक्रिया यानी प्रोसेस में, यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। इसमें पहला है नवीन उत्पाद विचारों अथवा नए विचारों का सृजन। यानी अगर कोई भी कंपनी है तो उसका जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या फिर जो उस कंपनी के टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, CEO CFO, ये तमाम तरह के जो भी लोग हैं, जो डायरेक्टर्स हो गए, उनके दिमाग में विचार आते हैं, नए नए ख्याल आते हैं और उन्हीं विचारों के द्वारा जो भी सृजन हो सकता है वे सारी की सारी बातें आती हैं। सारा का सारा डिपार्टमेंट सोचता है, विचार करता है। पहला स्टेप ये हो सकता है, यानी क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडियाज ऑफ न्यू आइडियाज, ठीक है। अगला आता है, सेकेंड स्टेप है विचारों की छानबीन यानी स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज। मान लीजिए तमाम तरह के विचार आते हैं कंपनी के पास, ठीक है ना। तो कंपनी के पास जो तमाम तरह के विचार आते हैं उन सारे के सारे विचारों को कंपनी क्या करती है, उनकी छानबीन करती है। ऐसा तो नहीं है कि जो भी आइडियाज़ कंपनी के जो भी लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके दिमाग में आए और वह सारे के सारे आइडियाज़ सही तरीके से हों, वे सारे के सारे आइडियाज़ मार्केट में अप्लाई हो सकें, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए उन सारे के सारे आइडियाज़ की छानबीन की जाती है कि क्या ज़रूरी हो सकता है। जैसे अभी जो AGM हुआ है रिलायंस टेलीकॉम का, उसमें जो भी मुकेश अंबानी हैं उन्होंने एक निर्णय लिया है और जो भी 19 तारीख को यानी 19 सितंबर के आसपास में जो भी लॉन्चिंग होने वाली है जियो एयर फाइबर की, तो क्या है, एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रूप में जो भी सृजनात्मकता होती है उसकी स्क्रीनिंग हो करके जो भी नया प्रोडक्ट है वो आया हुआ है मार्केट में। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब वो विचार में आया होगा तो उसके पहले बहुत सारे विचार रहे होंगे, उन सारे के सारे विचारों की छानबीन की गई होगी और उसके बाद से एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है बना करके पूरी की पूरी टेस्टिंग करने के बाद से, ठीक है ना। हमारा अगला है व्यावसायिक विश्लेषण यानी बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस के दृष्टिकोण से यानी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद से बात आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था। अगला है नवीन उत्पाद विकास यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद से कंपनी क्या करती है, नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करती है, विकास करती है, यानी नए प्रोडक्ट को कंपनी बना देती है इन तमाम तरह की बातों को जानने समझने और परखने के बाद से। और जब कभी भी कोई कंपनी नए प्रोडक्ट को बना देती है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस कर देती है तो हमारा अगला स्टेप आता है परीक्षात्मक विपणन यानी टेस्ट मार्केटिंग। उसके बाद से कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ला के टेस्ट करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट जब लॉन्च होते हैं तो लॉन्चिंग से पहले क्या किए जाते हैं, सैंपल बांटे जाते हैं कि लोग अपना व्यू दें कि क्या यह प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग है, क्या वो यह प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री है या उनके लिए उपयोगिता देता है कि नहीं देता है। तो ये सारी की सारी बातें देखी जाती हैं टेस्टिंग के दौरान मार्केट में जा करके। अगला है वाणिज्यीकरण यानी कॉमर्शियलाइजेशन। उसके बाद से जब टेस्टिंग हो जाती है तो फाइनली उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, सेलिंग की जाती है, मार्केट में उतार दिया जाता है बिकने के लिए। तो यह सारा का सारा प्रोसेस था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। हम लोगों ने इस वीडियो में समझा विशेष रूप से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यानी नवीन उत्पाद विकास में कि इसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। फिर हमने समझा कि परिभाषा क्या कहती है इसकी। फिर हमने समझा कि अगर कोई भी कंपनी नवीन उत्पाद विकास करती है यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है तो उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, आखिर क्या हो सकता है कि कोई भी कंपनी अपने वहां पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी। तो ये बातें हमें समझनी हैं यानी प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स। और हमने लास्ट में समझा कि प्रोसेस क्या हो सकता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का।
यहाँ पे हमने इन सारे की सारी बातों को समझा। हम लोग कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में जो हमारा 12वां लेक्चर होगा। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है मार्केटिंग से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप लोग हमारे वेबसाइट्स www.ashishcommerceclasses.com पर जा करके जो भी पढ़ाया जाता है आप सभी को वे सारे के सारे नोट्स जा करके आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।